हेलो एवरीवन, आज मैं बताऊंगी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी रांची झारखंड में जन्मे पद्म भूषण, पद्म श्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित क्रिकेट खिलाड़ी है। वे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारत के सबसे सफल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कप्तान रह चुके हैं। शुरुआत में एक असाधारण उज्ज्वल व आक्रामक बल्लेबाज के नाम पर जाने गए, धोनी भारतीय एक दिवसीय के सबसे शांत चित कप्तानों में से जाने जाते हैं। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 आईसीसी विश्व टी20, 2007 8 कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज, 2011 क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जीती, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 से हराया। उन्होंने भारतीय टीम को श्रीलंका और न्यूजीलैंड में पहली बार अतिरिक्त वनडे सीरीज जीत दिलाई। 2 सितंबर 2014 को उन्होंने भारत को 14 साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज में जीत दिलाई। निजी जिंदगी। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म झारखंड के रांची में एक मध्यम वर्गीय राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम पान सिंह व माता श्रीमती देवकी देवी। उनके पैतृक जहां उनके पिताजी श्री पान सिंह मैकॉन कंपनी के जूनियर मैनेजमेंट वर्ग में काम करने लगे। मैकॉन लिमिटेड यह कंपनी केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाली कंपनी है। रांची में पान सिंह और उनके परिवार को रहने के लिए सरकारी निवास स्थान मिला था। धोनी की माता श्रीमती देवकी देवी एक साधारण गृहिणी थी। धोनी की एक बहन है जिनका नाम जयंती और एक भाई है जिनका नाम नरेंद्र है। धोनी का बड़ा भाई नरेंद्र सिंह राजनीति में कार्यरत है और उनकी बहन जयंती गुप्ता एक शिक्षिका है। पहले धोनी के बाल लंबे हुआ करते थे जो अब उन्होंने कटवा दिए हैं। कारण वे अपने पसंदीदा बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम जैसे दिखना चाहते थे। धोनी एडम गिलक्रिस्ट के प्रशंसक है और बचपन से ही उनके आराध्य है। उनके क्रिकेट सहयोगी सचिन तेंदुलकर, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और गायिका लता मंगेशकर है। धोनी डीएवी जवाहर विद्यालय मंदिर श्यामली, वर्तमान में जेवीएम श्यामली रांची के नाम से जाने जाते हैं, में पढ़ते थे। धोनी को बैडमिंटन और फुटबॉल, इन दोनों खेलों में विशेष रुचि थी। इंटर स्कूल प्रतियोगिता में धोनी ने इन दोनों खेलों में स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्होंने बैडमिंटन व फुटबॉल में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया, जिस कारण वे जिला व क्लब लेवल में चुने गए थे। धोनी अपने फुटबॉल टीम के गोलकीपर भी रह चुके हैं। उन्हें लोकल क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेलने के लिए उनके फुटबॉल कोच ने भेजा था। हालांकि उसने कभी क्रिकेट नहीं खेला था, फिर भी धोनी ने अपने विकेट कीपिंग के कौशल से सबको प्रभावित किया और कमांडो क्रिकेट क्लब के 1114 से 1118 में नियमित विकेट कीपर बने। क्रिकेट क्लब में उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण उन्हें 1117 से 18 सीजन के विनु मांकड़ ट्रॉफी अंडर 16 चैंपियनशिप में चुने गए, जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। 10वीं कक्षा के बाद ही धोनी ने क्रिकेट की ओर विशेष ध्यान दिया और बाद में वे एक अच्छे क्रिकेटर बनकर उभरे। खेल शैली। धोनी एक आक्रामक सीधे हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं। धोनी उन विकेट कीपरों में से एक है जिन्होंने जूनियर व भारत के एक क्रिकेट टीम से चलकर राष्ट्रीय दल में प्रतिनिधित्व किया। पार्थिव पटेल, अजय रात्रा और दिनेश कार्तिक उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चले। धोनी को अपने दोस्तों में माही के नाम से जाने जाते हैं। बिहार क्रिकेट टीम में 1118 या 11 के दौरान अपना योगदान दिया और भारत ये टीम के लिए 2004 में हुए केन्या दौर का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयनित हुए। त्रिदेशीय श्रृंखला में पाकिस्तान ए टीम के खिलाफ धोनी ने गौतम गंभीर के साथ मिलकर कई शतक बनाए और उस साल के अंत में भारतीय राष्ट्रीय टीम में चयनित हुए। धोनी ज़्यादातर
बैक फुट में खेलने के लिए और मजबूत बॉटम हैंड ग्रिप होने की वजह से जाने जाते हैं। वे बहुत तेज गति से बल्ला चलाते हैं जिसके कारण गेंद अक्सर मैदान छोड़ जाती है। उनके प्रारंभिक मुद्रा में ज़्यादा संचार नहीं दिखती, जैसे गेंद का पीछा करना, उनके शैली में गेंद का पिच में ना आना और इनसाइड एजिंग ज़्यादा दिखती है। 2005 में अपने पांचवें एक दिवसीय मैच में पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने 184 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। 2007 क्रिकेट विश्व कप मैच पहली बार वेस्टइंडीज में होने जा रहा था। 2007 क्रिकेट विश्व कप मैच में राहुल द्रविड़ को कप्तान के रूप में चुना गया था और राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट के मैदान में उतरी थी। इस मैच में विश्व की 16 टीमों ने हिस्सा लिया था और इन 16 टीमों को 4 समूहों में विभाजित किया गया था। हर एक टीम बाकी के 3 टीमों के साथ मैच खेलने वाला था। भारत के समूह में श्रीलंका, बांग्लादेश और बर्म्यूडा या देश थे। 2007 क्रिकेट विश्व कप ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश और श्रीलंका के नुकसान के बाद भारत विश्व कप से अप्रत्याशित रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। धोनी इन दोनों मैचों में एक बतक के लिए बाहर था और टूर्नामेंट में केवल 29 रन बनाए। 2007 विश्व कप में बांग्लादेश के नुकसान के बाद वह घर जो धोनी अपने घर शहर रांची में निर्माण कर रहा था, वह JMM के राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा बर्बाद और क्षतिग्रस्त हो गया था। स्थानीय पुलिस ने अपने परिवार के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की क्योंकि भारत ने पहले दौर में विश्व कप से बाहर निकला था। धोनी ने बांग्लादेश के खिलाफ 91 रन बनाकर विश्व कप में अपने निराशाजनक प्रदर्शन किए। भारत को रन चेस में पहले कड़े स्थान पर छोड़ दिया गया था। धोनी ने अपने प्रदर्शन वनडे क्रिकेट में अपने चौथे के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रृंखला के तीसरे गेम को धोनी के बाद में उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया। धोनी के पास एक अच्छा एफ्रो एशिया कप था। 2011 विश्व कप 2011 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत की थी। धोनी ने ग्रुप स्टेज में नीदरलैंड, आयरलैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत हासिल की, जबकि वे दक्षिण अफ्रीका से हार गए और इंग्लैंड से मैच ड्रॉ रहा था। भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराया था। फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका को हरा कर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। मुंबई में श्रीलंका के साथ अंतिम संघर्ष में धोनी ने भारत को कप उठाने में मदद के लिए 91 का दस्तक दिया। उन्हें मैन ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कप्तानी छोड़ना और T20I टीम से बाहर। जनवरी 2017 में सीमित ओवरों में धोनी भारत के कप्तान के रूप में नीचे उतरे। इंग्लैंड के खिलाफ घर पर ODI श्रृंखला से ठीक पहले श्रृंखला के दूसरे गेम में उन्होंने 122 गेंदों पर 134 रन बनाए, जिसमें युवराज सिंह के साथ चौथे विकेट के लिए 256 रन की साझेदारी शामिल थी। शतक ODI में उनका 10वां 3 साल से पहले उनका पहला था। 8 फरवरी 2018 को धोनी ODI क्रिकेट में 400 शिकार को प्रभावित करने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बने। उन्होंने एडेन मार्करम के स्टंपिंग के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच के दौरान इस उपलब्धि को हासिल किया। 2018 एशिया कप में धोनी के खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद उन्हें वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए भारत T20I टीम से बाहर कर दिया गया। दोनों सीरीज के लिए बतौर विकेट कीपर ऋषभ पंत चुने गए। टेस्ट करियर श्रीलंका के खिलाफ अपने अच्छे एक दिवसीय प्रदर्शन के बाद धोनी ने दिसंबर 2005 में दिनेश कार्तिक को भारतीय टीमों के टेस्ट विकेट कीपर के रूप में बदल दिया। धोनी ने अपने पहले मैच में 30 रन बनाए जो बारिश से मारा गया था। धोनी क्रीज पर पहुंचे, अब टीम 5 ओवर में 109 पर संघर्ष कर रही थी और
विकेट उसके चारों ओर गिरते रहे। उन्होंने एक आक्रामक पारी खेली जिसमें वह आखिरी व्यक्ति को बर्खास्त कर दिया गया। धोनी ने दूसरे टेस्ट में अपनी पहली अर्धशतक बनाया और उनकी तेज स्कोरिंग दर ने भारत को 136 का लक्ष्य निर्धारित करने में मदद की और श्रीलंकाई को 247 रनों पर आउट किया गया। भारत ने जनवरी फरवरी 2006 में पाकिस्तान का दौरा किया और धोनी ने फैसलाबाद में दूसरे टेस्ट में अपनी पहली शतक बनाया। भारत एक कड़े स्थान पर था जब धोनी ने इरफान पठान के साथ जहाज को स्थिर करने की कोशिश की। टीम को अभी भी 107 रनों की जरूरत है ताकि फॉलो ऑन से बच सके। धोनी ने अपनी स्वाभाविक रूप से आक्रामक शैली में खेला क्योंकि उन्होंने केवल 34 गेंदों में पहले 50 रन बनाने के बाद सिर्फ 93 गेंदों में अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। टी20 आई करियर। धोनी भारत के पहले टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच का हिस्सा थे। उन्होंने दिसंबर 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआत की। उस मैच में धोनी ने एक रन आउट और विकेट के पीछे एक कैच पकड़ा, पर उस मैच में वह एक भी रन नहीं बना सके और लेग बेस्ट का शिकार बने, पर भारत वो मैच 6 विकेट से जीत गया था। 18 फरवरी 2018 को धोनी ने रीजा हेंड्रिक्स का कैच पकड़ने के बाद पहले टी20 में दक्षिण अफ्रीका 275 टी20 में 134 कैच लेने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड पहले कुमार संगकारा के नाम था। 2007 आईसीसी विश्व टी20। 2007 में पहली बार विश्व टी20 में भारत का नेतृत्व करने के लिए धोनी को चुना गया था। उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ अपनी कप्तानी की शुरुआत की लेकिन मैच धुल गया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी विश्व टी20 वर्ल्ड कप में भारत का नेतृत्व किया जिसमें 24 सितंबर 2007 को भारत ने तीर रूप से लड़ाकू फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की और कपिल देव के बाद दूसरे भारतीय कप्तान बने जिन्होंने किसी भी रूप में विश्व कप क्रिकेट जीता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 15 अगस्त 2020 को संन्यास ले लिया। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।